देख रहे हैं न्यूज टीवी इंडिया। जैसलमेर से लगती भारत पाकिस्तान सीमा पर रामगढ़ क्षेत्र के किशनगढ़ फील्ड फायरिंग रेंज में बुधवार को जिंदाबंद के फटने से चरवाहा गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को गंभीर अवस्था में रामगढ़ अस्पताल लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद जैसलमेर के जवाहर अस्पताल लाया गया। जवाहर अस्पताल में डॉक्टरों ने उनका इलाज कर हालत खराब देखते हुए जोधपुर रेफर कर दिया है। घायल कोटल सिंह 32 वर्षीय ननिवासी सेवा ने बताया कि मवेशियों को चराते वक्त ही हादसा हुआ। उसने बताया कि उसकी भेड़ बकरियां चरते हुए फील्ड फायरिंग रेंज में घुस गई थी। किशनगढ़ फील्ड फायरिंग रेंज में बहुत सारी संख्या में बम पड़े थे। उसने एक बम को जैसे ही हाथ में लिया तभी यह हादसा हो गया। उसके साथ वाले चरवाहे उसे लेकर रामगढ़ अस्पताल लाए जाए, जहां गंभीर अवस्था में उसे जैसलमेर लाया गया। हादसे में उसके एक हाथ का पंजा उड़ गया है और शरीर के बाकी अंगों में भी गंभीर चोटें आई है। जवाहर अस्पताल में डॉक्टर उसके इलाज में जुट गए हैं। चाचा का लड़का स्कूटर सिंह नाम है इसका, ये गया था फील्ड फायरिंग रेंज के पास, इसकी भेड़ बकरी है वहाँ पे चरा रहा था, बकरी कोई निकल गई वहाँ रेंज के अंदर, उसको घेरने गया और ये बम कोई फटा हुआ नहीं था, वो विस्फोट हो गया, उससे इसका हाथ कट गया, पैर भी तो टूट गया और भी चोटें आई है इसकी। इसको लेके वहाँ आए रामगढ़, रामगढ़ से हमारे को जैसलमेर रेफर किया है, अभी यहाँ पे जवाहर चिकित्सालय में, और गंभीर हालत है इसकी, एक हाथ कट गया और पैर में भी चोट है। जगह जगह से गेट खुले उतार के बकरी अंदर जाती है, और बकरी को उबालने के लिए गया था और कोई प्रॉब्लम नहीं, वहाँ पे रहते हैं, ये डीएम कू है वहीं पे, ढाणी है हमारी वहाँ पे। ताज़ा न्यूज़ अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। न्यूज़ टीवी इंडिया पर।